ऑल राइट गाइस, तो जब से यार सन्नी पाजी अपनी गदर 2 मूवी का ट्रेलर लेकर आए ना, तब से सोशल मीडिया पर धमाका हो गया है। और दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा है, अब अक्षय कुमार को भी अपनी ब्लॉकबस्टर OMG 2 मूवी का भी ट्रेलर रिलीज कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों यार इस मूवी को लेकर बहुत कोई गड़बड़ चल रहा है। दोस्तों बताते हैं आपको सब स्टेप बाई स्टेप, बट उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में 20 कट लगा दिए गए, मतलब कि इस मूवी के 20 से ज्यादा सीन्स काट दिए गए। अब आप सोच ही सकते हो यार कि मूवी देखने में क्या ही मजा आएगा। और तो और दोस्तों सबसे बड़ी बैड न्यूज ये है कि इस मूवी को अडल्ट सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया जाएगा, मतलब कि 18 प्लस ईयर के लोग ही इस मूवी को देख सकते हैं। यार कितना बुरा हो रहा है अक्षय कुमार के साथ। वेल दोस्तों यार पता नहीं सेंसर बोर्ड को क्या हो गया है, जब अभी ओपन हाइमर रिलीज हुई थी तब भाई साहब उसमें भगवत गीता के साथ बहुत खतरनाक अडल्ट सीन थे, तब सेंसर बोर्ड ने कुछ नहीं कहा और इस मूवी को बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस से रिलीज कर दिया गया ट्रेलर में। मतलब यार हॉलीवुड मूवी के लिए कोई सा रूल नहीं है और बॉलीवुड मूवी के लिए तुमने इतने सारे रूल बना दिए। और तो और ऐसा सिर्फ हमारे अक्षय कुमार के साथ ही हो रहा है। मतलब यार वैसे उनकी बहुत सारी मूवी फ्लॉप हो चुकी है और जब वो अपनी ब्लॉकबस्टर OMG मूवी का पार्ट 2 लेकर आया तब आप लोग ऐसा कर रहे हो, लेकिन यार हमारे अक्षय कुमार सर भी हार मानने वालों में से नहीं है। उनकी मूवी का आज एक गाना रिलीज होता है हर हर महादेव, और उस गाने को देखकर भाई साहब मजा आ जाता है। मतलब यार जिस तरीके से उस गाने में कलर ग्रेडिंग दिखाई गई है और जिस तरीके से अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी सर का लुक दिखाया गया है, भाई साहब एक नंबर लगा मुझे तो। वेल दोस्तों यार मुझे तो लगता है कि अक्षय कुमार हार मानने में से नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 2-3 दिन में इसका ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ तब आप सोच सकते हो कि ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो सकती है, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म पे जो 20 कट करे गए थे उनके साथ इस मूवी को रिलीज करने में बहुत आसानी होगी। वेल दोस्तों यार मुझे तो ऐसा लगता है कि OTT प्लेटफॉर्म पे ही इस मूवी को रिलीज करना चाहिए, क्योंकि यार OTT प्लेटफॉर्म पे ज्यादा लोग देखेंगे और इस मूवी को गदर से भी ज्यादा प्यार मिलेगा। वेल दोस्तों आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर से बताना। अब देखो यार कुछ भी हो, जितनी एक्साइटमेंट मुझे गदर 2 देखने की है उतनी ही एक्साइटमेंट मुझे OMG 2 मूवी देखने की है। वेल दोस्तों यार गदर मूवी ने तो भाई साहब कमाल ही कर दिया, और उसके ऊपर मैंने एक ब्रेक डाउन वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे देखकर आपको मजा ही आ जाएगा। वेल दोस्तों आप इस OMG मूवी के बारे में क्या सोचते हो कि इसे OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होना चाहिए या फिर थिएटर में रिलीज होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।